हाँ जी बच्चों, तो बच्चों मैं हूँ चंदा दुर्वेदी और आपके साथ मैं एक डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। राइट, जैसे कि आपको मालूम भी है कि डेरिवेटिव चैप्टर आपके कोर्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बच्चों यकीन मानो, आप मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को मैं आपको सबसे सबसे आसान बना दूँ। राइट, बट नो डाउट इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपके पास जो लेंथ है कोर्स कंटेंट की, वो कुछ ज़्यादा है। राइट, तो इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। आप, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप मुझे समय दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे समय दीजिए, डेफिनेटली मैं आपके इस डेरिवेटिव चैप्टर को आसान बना दूंगा। वो नो डाउट आपको समय देना पड़ेगा। बिना टाइम डिवोट किए आप हम इस आगे को, इस चैप्टर को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। राइट, सो डेरिवेटिव चैप्टर एंड चैप्टर सेस क्या लिखा हुआ है बच्चों? डेरिवेटिव का मीनिंग बताया हुआ है एक लाइन के अंदर आपके सामने। लिखा हुआ है डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड एसेट। तो कहता है कि सर डेरिवेटिव जो है ना, कुछ अलग से नहीं होते, ये भी क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि अगर आपने पैसा उधार लिया है तो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू उधार लिया होगा, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, तो एक डॉक्यूमेंट आपके पास आया होगा। राइट, या आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो भी एक डॉक्यूमेंट के थ्रू किया होगा। तो जो ये डॉक्यूमेंट है वो क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। राइट, तो इसी तरह से हमारा जो एक डेरिवेटिव है वो भी क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। राइट, अगर मैं कहूँ सर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा और आगे डिफाइन करते हैं, तो हमारा जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी हमारे पास डेरिवेटिव टॉपिक के अंदर दो तरह का होता है। दो तरह का कौन सा होता है? एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शन। जितने भी हमारे डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर कंटेंट है, वो उस पूरे कंटेंट को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। नंबर वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नंबर टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों के दोनों चीजें ही हमारे पास किस में कवर होती है? डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर। राइट, हाँ वो बात अलग है कि इस ऑप्शन को भी हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। ये दो हिस्से कौन कौन से हैं? पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। तो जो अगर हम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को आपको समझाने की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि ये फ्यूचर क्या होता है, ये ऑप्शन क्या होता है, यानी कि पुट क्या होता है या कॉल क्या होता है। पर सर ये जितनी भी चीजें हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? ऑल दिस आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। राइट, तो पहले ये चीज पकड़ लीजिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉल ऑप्शन हो, ये सभी के सभी एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी अपनी वैल्यू नहीं होती। क्या लिखा हुआ है? विच डराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड असेट। जिनकी अपनी वैल्यू नहीं होती, पर उनकी वैल्यू जो है वो किसी दूसरी स्पेसिफाइड असेट के ऊपर बेस्ड है। जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, पर उनकी वैल्यू किस पर बेस्ड है? स्पेसिफाइड असेट पर। आपको ऑब्वियसली ये स्पेसिफाइड असेट्स क्या क्या हो सकती हैं? तो बच्चों ये जो स्पेसिफाइड असेट्स है ना, ये हो सकती हैं 1, 2, 3, 4, ये चार हो सकते हैं। ये चार कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर वन शेयर्स ऑफ अ कंपनी, शेयर्स। राइट, और नंबर टू करेंसी, करेंसी मतलब डॉलर, पाउंड वगैरह वगैरह। एंड नंबर थ्री एनी कमोडिटी, कमोडिटी। राइट, एंड नंबर नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट्स। राइट, सो दीज स्पेसिफाइड एसेट कैन बी दीज फोर। तो मैंने अभी तक जो समझ में आया, हालांकि मुझे मालूम है अभी तक कुछ खास समझ में नहीं आया है। राइट, पर बच्चों यकीन मानो, जब तक थोड़ा सा टाइम नहीं दोगे मुझे डायबिटीज समझाने के लिए, तब तक ये समझ में भी नहीं आएगा। राइट, गिव मी एटलीस्ट 20 to 25 minutes फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। राइट, 20-25 मिनट के बाद पक्का समझ में आ जाएगा, पर सब 20-25 मिनट आपको देने पड़ेंगे। राइट, तो हमने कहा डेरिवेटिव एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी अपनी वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू किसी दूसरे असेट पे ऊपर डिफाइंड करती है। और जो ये दूसरे असेट्स हैं वो क्या हो सकती हैं? शेयर्स हो सकता है, करेंसी हो सकती है यानी कि डॉलर, पॉन्ड्स वगैरह हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, मतलब कमोडिटी मतलब प्याज, टमाटर एंड सोयाबीन, मसाले। राइट, उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, दीज आर ऑल्सो द कमोडिटीज। तो इन कमोडिटीज की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। राइट, और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल इन एनी प्लेस। तो बच्चों ये हो सकता है अदर स्पेसिफिक सेट। तो अभी तक क्या समझ में आया? टोटल मुझे 20 से 25 मिनट देने आपने समझने के लिए। अभी तक क्या समझ में आया है कि डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेरिवेटिव वो कागज है, कागज का टुकड़ा है जिसकी अपनी एक कोई वैल्यू नहीं है, पर उसकी वैल्यू किसी स्पेसिफिक असेट के ऊपर डिपेंड करती है।
ठीक है। अब वो स्पेसिफाइड असेट क्या हो सकती है, हमने कहा क्या हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है या इंटरेस्ट रेट्स हो सकता है, राइट। पर ज्यादातर मार्केट के अंदर जो ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो शेयर्स के बेसिस पर समझाए जाते हैं, राइट। तो मैं आपको जो समझाने के लिए टूल यूज कर रहा हूँ वो शेयर्स है, बट इट कैन बी एनी ऑफ द फोर, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात। पर सबसे पहले बच्चों, मैं डेरिवेटिव समझाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्या जरूरत है डेरिवेटिव फॉर्म करने की, बच्चों ये बात करते हैं। हाँ जी, हमें डेरिवेटिव की जरूरत क्या है, हम डेरिवेटिव चैप्टर को पढ़ना ही क्यों चाहते हैं, ये जो डेरिवेटिव फॉर्म किए गए हैं वो क्यों फॉर्म किए गए हैं, राइट। अच्छा, आपको मालूम है कि डेरिवेटिव कैसे ट्रेड किए जाते हैं, इट विल बी ट्रेडेड थ्रू द एक्सचेंजेस, इट इज ट्रेडेड थ्रू एक्सचेंज, मतलब एक एक्सचेंज होती है, उस एक्सचेंज के अंदर, एक्सचेंज मतलब एक प्लेस जिस प्लेस पर ये डेरिवेटिव डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ट्रेड किए जाते हैं, बाय किए जाते हैं एंड सेल किए जाते हैं। पर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये ट्रेड किए क्यों जाते हैं, गवर्नमेंट ने इसको क्यों अलाउ किया हुआ है इसको एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये तो हमारी नॉर्मल वाले नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज नहीं हो रहे हैं। नॉर्मली जनरली क्या करते हो आप लोग, जनरली आप क्या करते हो, सामान खरीदते हो, सामान बेचते हो, आपने शर्ट खरीदनी है, पैसे दिए, शर्ट ली, राइट। पर सर यहाँ पर पैसे देके क्या मिल रहा है, हाँ जी, यहाँ पर पैसे देके क्या मिल रहा है, एक डॉक्यूमेंट, एक कागज का टुकड़ा। तो ये जो कागज का टुकड़ा मिल रहा है ना, उस पर कुछ लिखा हुआ है, बट सर ये जो लिखा हुआ है, आप जो है जनरल लाइफ के अंदर इस तरह के डॉक्यूमेंट को यूज नहीं करते, तो एक्सचेंज को क्या जरूरत पड़ी जिस कारण से इस तरह के डॉक्यूमेंट को बाय एंड सेल किया गया, राइट। तो सबसे पहले इसके नीड को समझ लेते हैं, राइट। तो नीड क्या है समझेगा सर, देखो एक फार्मर है, एक फार्मर है, एक किसान है, आई थिंक सबसे मेहनती इंसान कौन होता है, किसान ही होता है, बहुत मेहनत करता है, राइट। अब फार्मर है, फार्मर को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि सर कौन सी फसल को वो पैदा करे, मतलब कौन सी फसल को अपने खेतों में लगाए, राइट। अब कौन सी फसल को अपने खेतों में लगाए, इसके लिए उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा। वो कैसे डिसाइड करे, वो ये देखता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है। उसने देखा आजकल जो प्याज है ना, ऑनियन जो है वो बड़े महंगे बिक रहे हैं, राइट। और ऑनियन बिक रहे हैं मार्केट में 100 रुपये पर किलोग्राम, तो अपने उसने अपने खेत में क्या क्या लगा दिया, ऑनियन लगा दिया, राइट। अब बताना उसने आज लगाया तो कल ही कल में ऑनियन पैदा हो जाएगा, नो, इट विल टेक टाइम। तो मान लेते हैं कि इसमें 6 महीने लगेंगे, सपोज इट विल टेक 6 मंथ्स। अब 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के बाद ऑनियन जो है पैदा हो जाएगा। सपोज करो उसने 1 टन ऑनियन बना दिया, राइट। अब वो मार्केट में इसको बेचने गया, और मार्केट में जब बेचने गया, यहाँ पर टी जीरो पर जब स्टार्ट किया था ऑनियन पैदा करने के लिए स्टार्ट किया था, तब ऑनियन का रेट क्या चल रहा था, 1 kg = 100 rupees पर kg। पर जब 6 महीने के बाद जो मुझे बताओ उसका जो रेट होगा ऑनियन का, क्या वही का वही 100 rupees का होगा, नहीं होगा, राइट। तो मैंने कहा उस समय रेट हो गया है 20 रुपये का। अब वो सोच रहा था कि 1000 किलोग्राम 100 रुपये के हिसाब से बिकेंगे और कितने पैसे उसके पास आ जाएंगे, 1,00,000 रुपये, जबकि उसके पास 1000 किलोग्राम बेचा उसने 20 रुपये के हिसाब से, उसको सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे आए, 20,000 रुपये। तो सर उसको तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया, झटका लगा। उसने पूरे 6 महीने मेहनत की एक ये सोचते हुए कि 1,00,000 रुपये आएगा, जबकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना आया, 20,000। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारा जो ये किसान है वो अपने आप को सिक्योर कर सके। देखो जब भी इनसिक्योरिटी होती है ना, तो एक इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, राइट। आपको कभी भी डर लग रहा है तो अपने डर को जीतने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस करवा सकते हो। भाई आपने मोबाइल खरीदा 50,000 का, अब आपको क्या डर लग रहा है, गिर ना जाए, चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, तो ठीक है 10% हमें पे करो, हम आपको इंश्योर कर देते हैं एक साल के लिए, राइट। आपने कार परचेज की, कार परचेज करने के बाद आपको क्या लग रहा है, आपने 10 लाख की कार परचेज की, अब आपको क्या लग रहा है, कहीं कार एक्सीडेंट ना हो जाए, टूट ना जाए, लग ना जाए, दिस एंड दैट। तो ऐसा लग रहा है तो क्या करें, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस करवा देंगे तो क्या होगा कि अगर अगर डैमेज हो जाएगा या चोरी हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पे कर देगी। तो क्या इस बेचारे फार्मर के लिए कुछ ऐसा इंश्योरेंस नहीं हो सकता कि फार्मर को भी उसके उसके द्वारा पहले से तय किया गया रेट मिल जाए, हाँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता, होना चाहिए या नहीं, होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। तो बच्चों इसके लिए कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, राइट। इसके लिए हमने कहा, देखो ध्यान से सुनना, सब कुछ इसी के अंदर है जो बता रहा हूँ, सब कुछ इसी के अंदर है।
मेरे को कहा 20 से 25 मिनट, राइट, 20 से 25 मिनट के अंदर ये सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी, तो ये सब कुछ आपको समझ में आएगा पक्का, राइट, पर 20 से 25 मिनट देने आपको मुझे। फार्मर के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि रेट पहले से डिसाइड हो जाए। क्या रेट डिसाइड हो जाए? कि सर आज का रेट मार्केट के अंदर 100 रुपए का है, तो 100 रुपए का जो रेट आज के डेट में मार्केट में चल रहा है उसको बोलेंगे कैश मार्केट का रेट। जो 100 रुपए का रेट आज मार्केट में चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, कौन सी मार्केट है वो? वो कैश मार्केट है। अब वो कैश मार्केट का रेट है, पर सर फार्मर को कैश मार्केट का रेट नहीं चाहिए, आज का रेट नहीं चाहिए, फार्मर के पास आज ऑनियन है भी नहीं, राइट, पर फार्मर को जो ऑनियन बेचने हैं वो कब बेचने हैं? 6 मंथ्स के बाद, उसको 6 महीने के बाद का रेट चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसको आज ही ऐसा रेट पता चल जाए जो कि 6 महीने के बाद के लिए हो? यस, हो सकता है। मैंने कहा उसने एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 90 रुपए का रेट उसने तय कर लिया, तो 90 रुपए का जैसे ही उसने रेट तय कर लिया ना, तो ये जो रेट है सपोज करो ये 6 महीने के बाद की ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल है, और कितने टन के लिए है? 1 टन के लिए। तो अगर उसने इस तरह का एक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है फार्मर ने, तो इस तरह के रेट का जो एग्जीक्यूशन किया जाएगा वो कब किया जाएगा? आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद किया जाएगा, 6 महीने के बाद किया जाएगा, जबकि रेट और टाइमिंग और क्वांटिटी जो है वो कब डिसाइड की गई? आज ही। तो ये तीन चीजें आज ही डिसाइड की गई। अब ये तीन चीजें आज ही डिसाइड की गई हैं, जबकि एक्चुअल एग्जीक्यूशन कब किया जाएगा? 6 महीने के बाद। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। आप वो सर दोनों दो कैसे कह सकते हैं? सो फॉरवर्ड और फ्यूचर जनरली इंटरचेंजेबली यूज होता है, पर फिर भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राइट, और थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, पर सर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो मतलब मान लो फ्यूचर के अंदर 6 महीने के बाद मार्केट के अंदर, कैश मार्केट के अंदर रेट जो है 20 रुपए का हो जाता है, बट फार्मर को कितने मिलेंगे? 90 रुपीज, है ना, 90 रुपीज। अच्छा, अगर मान लो फ्यूचर में जो रेट है ना वो रेट 10 रुपए का रह जाता है प्याज का, 10 रुपए पर किलोग्राम, अभी भी फार्मर को कितने मिलेंगे? 90 रुपीज, राइट। एक्चुअली 90 रुपीज मिलते नहीं है, एक्चुअली भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से 90 रुपीज मिलते नहीं है, डिफरेंस मिल जाता है, बट जो इफेक्ट होता है वो 90 का ही होता है। व्हाट आई मीन टू से, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस मार्केट प्राइस पर किलोग्राम ये हो गया 20 रुपए का, ठीक है। अब बच्चों सोचो, अगर फार्मर अपने ऑनियन की फसल को मार्केट में बेचे तो कितने उसे मिल जाएंगे? 20 रुपए तो मिल जाएंगे, जबकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कितने का था? 90 का, यानी कि अब उसको 70 रुपए का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है मार्केट में बेचने पर, राइट। इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से 90 मिलते नहीं है, जो नुकसान हो रहा है ना वो मिल जाता है, कंपनसेशन डिफरेंस अमाउंट की मिल जाती है। मतलब ये कि यू कैन से कि गेन थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का गेन मिल जाता है कितना? 90 माइनस 20, यानी कि कितना मिल जाएगा? 70 रुपए। तो सोचो 20 रुपए तो ऑनियन को बाजार में कैश मार्केट में बेचने से मिल गया, और 70 रुपए कैसे मिल गया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। तो यानी कि फार्मर को अब कितना प्राइस मिल गया? 90 रुपीज। और अगर मार्केट प्राइस पर किलोग्राम, मार्केट प्राइस पर किलोग्राम मान लो 10 रुपए का होता है, राइट, अब अगर 10 रुपए का है तो क्या होगा? अब वो मार्केट में सेल करेगा, सेल प्राइस ऑफ ऑनियन, ऑनियन बेचेगा कितने प्राइस पर? 10 रुपए पर। और सर गेन होगा, गेन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो गेन होगा वो कितना होगा? इस प्लेस 90 माइनस 10, राइट, तो 80 रुपीज। तो 80 रुपीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से उसे कंपनसेशन मिल जाएगा, यानी कि हमारे फार्मर को अब जो ऑनियन का प्राइस मिल गया वो कितना मिल गया? अगेन 90। अच्छा, अगर मान लो फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में मतलब 6 महीने के बाद मार्केट प्राइस पर किलोग्राम ऑनियन का बन जाता है 120 रुपए पर किलोग्राम, भाई रेट बढ़ भी तो सकता है, बढ़ भी तो सकता है, राइट, तो सेल प्राइस ऑफ ऑनियन, तो ऑनियन का जो सेल प्राइस होगा वो कितना होगा? 120 पर किलोग्राम। पर सर फार्मर ने तो कितने का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किया हुआ है? 90 रुपीज का। अब फार्मर 30 रुपए का अमाउंट कंपनसेशन पे करेगा,
कंपनसेशन पे करेगा, राइट। तो यहां पर हमने कहा दैट लॉस इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉस इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेसिकली 120 माइनस 90 और यू कैन से कितना 30। तो अगर ये लॉस हो गया 120 मिले तो यानी कि फार्मर को अपनी जेब में कितने पैसे आ गए, मतलब अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो कितने का है 90। 6 महीने के बाद मार्केट प्राइस से अप हो जाए चाहे डाउन हो जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे फार्मर को तो कितना मिल जाएगा 90 रुपीज। आई थिंक क्लियर, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सब क्या है, दीज आर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। पर मन में आ रहा है कि काश ऐसा होता कि प्राइस अगर डाउन हो जाए तो फार्मर को कंपनसेशन मिल जाए, बट अगर प्राइस अप हो जाए तो फार्मर को पे कुछ ना करना पड़े। हाँ जी, मन में आ रहा है? यस सर। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि फार्मर को कंपनसेशन मिले तो सही बट सर फार्मर को बेचारे को कुछ पे ना करना पड़े ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, राइट। तो सर क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, हो सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं पुट ऑप्शन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। व्हाट आई मीन टू से, ध्यान दीजिएगा। देखो फार्मर क्या चाहता है, फार्मर चाहता है कि 6 महीने के बाद 6 मंथ्स के बाद वो 1 टन बेचे, राइट। तो इस पर उसे 90 रुपए की गारंटी मिल जाए, बट अगर प्राइस हाई जाए तो उसको गारंटी नहीं चाहिए क्योंकि इस सिचुएशन में तो वो हायर प्राइस पर अपने ऑनियन को मार्केट में ही सेल कर देगा और मार्केट में बेचने पर उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। तो उसको गारंटी कब चाहिए? जब प्राइस 90 से कम हो, ठीक है। अगर सर ऐसी बात है तो सर एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा गया? पुट ऑप्शन। पर सर इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से सुनना, यहां पर दो पर्सन होंगे नो डाउट, वन इज द फार्मर एंड अनदर इज द वन अनदर पर्सन जिसको हम बोलते हैं राइटर, राइट। राइटर जो है एक डॉक्यूमेंट, एक कागज का टुकड़ा देगा किसको? फार्मर को, और फार्मर को कहेगा दैट फार्मर जी यू हैव राइट टू सेल ऑनियन आफ्टर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ रुपीज 90 पर किलोग्राम, ठीक है। अब सर कागज का टुकड़ा दे दिया फार्मर को और फार्मर के पास क्या आ गया? हाँ जी, राइट टू सेल। क्या बोला है मैंने यहां पर इसको? राइट टू सेल। फार्मर के पास राइट आ गया, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस राइट टू सेल? मतलब क्या है कि हमारे फार्मर के पास ये राइट है, अधिकार है, फार्मर चाहे तो इस अधिकार को यूज करे चाहे तो यूज ना करे, और नो डाउट फार्मर यूज कब नहीं करेगा? जब रेट हाई जाएगा। जब रेट हाई जाएगा मतलब जब मार्केट के अंदर रेट 120 रुपए का हो जाएगा तो फार्मर कहेगा ठीक है मुझे 90 रुपए का राइट था, कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, तो आई एम नॉट फुलफिलिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो क्योंकि मुझे 90 रुपए से ज्यादा तो मार्केट में ऑनियन को बेचने से मिल रहे हैं। तो ऐसा इंश्योरेंस कौन देता है? राइटर। राइटर क्या इंश्योरेंस दे रहा है कि 90 रुपए में मैं आपसे 6 महीने के बाद खरीदने को तैयार हूं अगर आप बेचने को तैयार हो, राइट। और फार्मर बेचने को तैयार कब होगा? जब प्राइस 90 रुपए से एक्चुअल में कैश मार्केट के अंदर कम होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर कम नहीं होगा तो फार्मर बेचने को तैयार नहीं होगा। बट आप थोड़ा सोचो इस बेचारे के बारे में, राइटर के बारे में, ये जो राइटर है वो हमारे इस फार्मर को एक एश्योरेंस दे रहा है, तो दिस इज जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस, यस और नो? दिस इज जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस टू द फार्मर। कैसा इंश्योरेंस है ये कि भाई फार्मर को अगर नुकसान हो गया देन राइटर विल कंपनसेट, अगर नुकसान नहीं हुआ तो राइटर कंपनसेट नहीं करेगा। तो थोड़ा सोचो, आपने एक नई कार परचेस की है, आपने जैसी नई कार परचेस की तो आपने एक इंश्योरेंस करवा ली, और इंश्योरेंस करवा ली तो इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर कार का एक्सीडेंट हुआ या कार गुम हो गई या कार को कुछ नुकसान पड़ा तो कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पर आप हो और दूसरा कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी इस तरह का इंश्योरेंस कर देती है, आपको एक डॉक्यूमेंट दे देती है, कहती है कि यू हैव ए राइट टू क्लेम द इंश्योरेंस इफ समथिंग हैपन टू द कार, राइट। पर सर इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ चार्ज भी करती है या नहीं? डेफिनेटली। क्या चार्ज करती है? प्रीमियम।
क्या चार्ज करती है? प्रीमियम। तो बच्चों राइटर भी तो ऐसे ही फार्मर को एक एश्योरेंस दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है। किस तरह के इंश्योरेंस दे रहा है कि अगर अगर तो प्राइस 90 रुपए से डाउन चला गया तो मैं आपको कंपनसेट पे करूंगा, राइट? तो क्या राइटर इसके बदले में कुछ चार्ज करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली यस। जो अमाउंट इस तरह से हमारा ये राइटर चार्ज करेगा, इस अमाउंट को भी हम प्रीमियम ही कहते हैं। प्रीमियम का अमाउंट कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर चार्ज किया जाएगा? T0 पर, राइट? सो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ देता है, दूसरा पर्सन उसके उस बदले में कुछ ना कुछ कैश दे देता है, राइट? तो यहां पर भी यही हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि राइटर ने फार्मर को क्या दिया? एक डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट क्या लिखा हुआ है? दैट द फार्मर हैज ए राइट टू सेल द ओनियन एट द रेट ऑफ ₹90, राइट? तो इसके बदले में इसने फार्मर से क्या चार्ज कर लिया? प्रीमियम, राइट? मान लो प्रीमियम का अमाउंट है ₹2 पर किलोग्राम, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूं मैं, राइट? अब ₹2 पर किलोग्राम का अमाउंट जो है राइटर ने चार्ज कर दिया। अब राइटर की ये ऑब्लिगेशन हो गई कि फ्यूचर के अंदर अभी अगर हमारे फार्मर को नुकसान हुआ, यानी कि प्राइस जो है वो 90 रुपए से कम हुए, देन राइटर विल कंपनसेट। सो राइटर इज जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस कंपनी, राइटर इज जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस कंपनी। मान लो फिर से अब मैं आपसे बात करता हूं कि 6 महीने के बाद मार्केट प्राइस पर किलोग्राम, जब मैं बोलता हूं मार्केट प्राइस पर किलोग्राम तो यानी कि मैं कौन से मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं? कैश मार्केट के बारे में। कैश मार्केट में जो रेट है ना, अब वो हो जाता है ₹200 किलोग्राम, राइट? तो मुझे बताओ कि हमारा जो राइटर है वो फार्मर को कितना कंपनसेशन पे करेगा? कितना पे करेगा? 90 माइनस 20, यानी कि कितना? 70। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन, दैट द राइटर विल कंपनसेट टू द फार्मर ₹70। इज इट क्लियर, राइट? तो थोड़ा सोचो, फार्मर के पास 70 रुपए तो राइटर ने कंपनसेट कर दिया, राइट? और 20 रुपए उसको तो कहां से मिल जाएंगे? ऑनियन को मार्केट में एक्चुअली भी 20 रुपए बेचने से, तो फार्मर को कितना मिल जाएगा? 90। कितना मिलना चाहिए? 90, ठीक है? और आगे चलते हैं, और नंबर सेकंड केस में अगर मार्केट प्राइस पर किलोग्राम, सपोज करो दैट मार्केट प्राइस पर किलोग्राम ये हो जाता है ₹10। अब वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन कितनी आएगी? और ये वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट राइटर बायर को पे करने वाला है। तो कितना अमाउंट पे करने वाला है? इट विल बी 90 माइनस 10, एंड हाउ मच इट विल बी? 80। और फार्मर को कैश मार्केट में ऑनियन बेचने से मिल कितने जाएंगे? 10 तो मिल ही जाएंगे, तो 10 वहां से मिल गए, 80 ये आ गए, तो टोटल फार्मर के पास कितने आ गए? ₹90, राइट? अब थर्ड केस क्या है कि मार्केट प्राइस पर किलोग्राम अब हो जाता है ₹120, राइट? तो इस केस में बताओ कि वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन कितनी होगी, मतलब कितना अमाउंट हमारा राइटर जो है वो बायर को पे करेगा। हाँ जी, देखो हमारे हमारे फार्मर के पास ये राइट था, राइट टू सेल एट द रेट ऑफ 90। अब राइट टू सेल 90 वाला फार्मर को यूज करने में बेनिफिट है, या फिर फार्मर इस वाले ऑनियन को मार्केट में 120 में बेच दे, ये बेनिफिट है? मार्केट में बेच दे, ये बेनिफिट है। तो व्हाट आई मीन टू से कि हम यहां पर कहते हैं दैट द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन इज 0। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं आउट ऑफ मनी सिचुएशन। आउट ऑफ मनी का मतलब हुआ कि यहां पर फार्मर जो है वो फार्मर इस पुट ऑप्शन को ऑप्ट ही नहीं कर रहा, राइट? इसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ मनी सिचुएशन, यानी कि फार्मर जो है वो इस पुट ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है, छोड़ रहा है, हटा दिया उसने। आई थिंक क्लियर, राइट? अगर मार्केट प्राइस जो है मार्केट प्राइस पर किलोग्राम इज इक्वल टू 200, राइट? तो बताना वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन कितनी होगी? 0, राइट? प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी यानी कि राइटर फार्मर को कोई कंपनसेशन देने वाला नहीं है, तो वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन हो जाएगा, इट विल बी 0। अच्छा, जो हम वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन पहले फाइंड कर रहे थे, ये हो गया था 90 माइनस 20। ये 90 क्या चीज था?
ये वो प्राइस था जो कि पहले से ही पुट ऑप्शन के अंदर वैल्यू ऑलरेडी डिटरमाइंड है। इसको बच्चों हम एक नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। या इसका एक दूसरा नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस, राइट। तो अब मैं 90 को लिखना चाहता हूं, ये 90 क्या हो गया, एक्सरसाइज प्राइस माइनस 20 क्या चीज है, मार्केट प्राइस। तो ईपी माइनस एमपी इज द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, राइट। और यहां पर भी देखो यही किया ना हमने, ईपी माइनस एमपी यही किया ना। अच्छा यहां पर क्या किया, यहां पर हमने ईपी माइनस जब एमपी किया ना, तो ये हो गया 90 माइनस 120, और 90 माइनस 120 की जो वैल्यू आ गई वो माइनस 30 आ गई। तो जब भी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो इसको क्या बना देंगे, जीरो। और इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, आउट ऑफ मनी सिचुएशन। मतलब यहां पर जो है एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट की नहीं की जा रही है। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द प्रीमियम, व्हाट अबाउट द प्रीमियम। फार्मर ने राइटर को इस इंश्योरेंस को लेते समय 2 रुपए का प्रीमियम भी पे किया था, राइट। राइटर ने फार्मर को जो कंपनसेशन दिया वो कितना दिया, 70। अगर मैं पूछूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में गेन टू फार्मर कितना है, गेन टू फार्मर कितना, तो क्या कहते हो, क्या 70 रुपए का गेन है, नहीं। 70 रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फार्मर को मिले हैं जरूर, बट सर 2 रुपए तो इसके लिए वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो हमारे फार्मर को गेन हुआ कितना, इट इज वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन 70 माइनस 2, यानी कि प्रीमियम पेड, एंड द डिफरेंस इज 68, राइट। अब बच्चों यहां से हम बात करते हैं कि गेन कितना हुआ। हाँ जी, 80 रुपए का कंपनसेशन उसे मिला, माइनस 2 रुपए पहले पे कर चुका है, तो कितना कितना गेन, तो दिस इज गेन टू किसको, फार्मर। अच्छा थर्ड केस में बताना, तो गेन टू फार्मर कितना है, गेन टू फार्मर कंपनसेशन कितना मिला, जीरो, बट सर 2 रुपए तो प्रीमियम पे किए थे, राइट। तो यानी कि गेन कितना हुआ, माइनस 2। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये 2 रुपए वापस नहीं मिल सकते, वाह क्या, मतलब बच्चे फार्मर के लिए इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो कहते हैं सर ये 2 रुपए वापस नहीं मिल सकते, इससे अच्छा तो फार्मर जो है वो 2 रुपए देते ही नहीं। अरे भाई अगर वो फार्मर 2 रुपए नहीं देता तो सो ये इंश्योरेंस कवर कैसे मिलता। बच्चे कहते हैं सर इंश्योरेंस कवर लेके किया क्या, जब प्राइस 120 हो गया, तो क्या आपको T0 पे पहले से पता था कि प्राइस जो है 120 हो जाएगा, आपने बेसिकली अनसर्टेनिटी को सिक्योर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट परचेस किया, राइट। तो अनसर्टेनिटी तो T0 पर थी, तो अनसर्टेनिटी को सिक्योर करने के लिए आपने 2 रुपए पे किए हैं, वो 2 रुपए जो पे किए हैं फार्मर ने वो तो लॉस्ट हो गए। तो वो सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल बात है, आपने कार परचेस की इंश्योरेंस कंपनी से, और इसके बदले में आपने क्या पे किया इंश्योरेंस कंपनी को, हाँ जी प्रीमियम का अमाउंट पे किया, और प्रीमियम का अमाउंट पे किया सपोज करो 20,000 रुपए का, राइट। अब पूरा साल बीत गया पर कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, अब बताओ आपके 20,000 का क्या होगा, वो तो गए, या जानबूझ के अपनी कार को ठोक दोगे और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लोगे ताकि कुछ पैसे मिल जाए, नहीं ना। अगर यहाँ अगर ये भी करोगे तो यहाँ पर तो फार्मर वो भी नहीं करता, कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पैसा रिकवर होगा वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कैश मार्केट के अंदर प्राइस कितना है। अगर कैश मार्केट के अंदर प्राइस नहीं चेंज हो रहा तो फार्मर के हाथ में तो ये सब है ही नहीं, यस ना। अच्छा तो व्हाट आई मीन टू से, प्रीमियम का अमाउंट जो फार्मर ने T0 पर पे कर दिया है वो पे कर दिया, राइट। और बच्चों मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं फार्मर फार्मर फार्मर, एक्चुअली हम इसको फार्मर नहीं बोलते, इसको हम बायर बोलते हैं। पुट ऑप्शन में 2 पर्सन हो गए, 1 इज बायर एंड द सेकेंड इज राइटर। राइटर इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव दिस डॉक्यूमेंट टू द बायर, एंड बायर विल गिव, हाँ जी बायर विल गिव प्रीमियम, प्रीमियम टू द राइटर, राइट। इस प्रीमियम के बदले में बायर के पास क्या जाता है, राइट टू सेल, राइट। राइट बायर के पास राइट टू सेल आ जाता है, जिसमें कि एक पहले से रेट डिटरमाइंड हो जाता है, और जो रेट डिटरमाइंड हो जाता है उस रेट को क्या बोलते हैं, स्ट्राइक। और जो ये टाइम पीरियड होता है ना, ये भी पहले से डिसाइड होता है, इनफैक्ट लास्ट डेट
ये मैंने 6 महीने लिख दिया, जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये टाइम पीरियड 1 मंथ 2 मंथ नहीं लिखा जाता या 6 मंथ नहीं लिखा जाता, डेट लिखी जाती है कि कौन से डेट का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। लाइक शेयर मार्केट के अंदर जो ये डेट होती है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है, राइट। तो अगर भी जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर के लास्ट थर्सडे ऑफ द नवंबर को लास्ट डेट मानी जाएगी, दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लास्ट थर्सडे ऑफ द दिसंबर की लास्ट डेट मानी जाएगी, और उसके बाद जनवरी के लास्ट थर्सडे को मानी जाएगी। मतलब हम क्या करते हैं कि लास्ट थर्सडे की डेट को कंसिडर करते हैं। आई थिंक क्लियर, राइट। अब सर जितने भी शेयर्स हैं उन सब जितने भी शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं और उनमें से बड़े बड़े नाम जितने भी आप जानते होंगे उनके लिए बेसिकली कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, राइट। देखो मैं यहाँ पर मैंने nseindia.com खोला है, आप भी अपने घर में आराम से खोल सकते हैं। क्या साइट का नाम है? nseindia.com, राइट। एनीबडी कैन ओपन दिस, हाँ जी। क्या लिखा हुआ आ गया? nseindia.com। अब सर nseindia.com पर ये आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है? इक्विटी। ये जब इक्विटी लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेसिकली कैश मार्केट के बारे में बात हो रही है, कैश मार्केट। अब सर कैश मार्केट के अंदर मैंने यहाँ पर कोई नाम लिखा, कोई भी शेयर का नाम आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। यस प्लीज एनीबडी, HDFC, यस, हर बंदे ने सुना हुआ है HDFC, सॉरी HDFC, सो फर्स्ट वन। तो अब आप बच्चों जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास HDFC के प्राइसिंग आ गया। तो मैंने कहा सर आज नवंबर 4, 2016 को जो HDFC का शेयर प्राइस मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है वो कौन से प्राइस पर ट्रेड हो रहा है? 1387.30, राइट। तो ये जो शेयर, ये जो 1387.30 है, ये कौन सी वैल्यू है? कैश मार्केट का शेयर। ये कौन सी वैल्यू है? दिस इज कैश मार्केट, राइट। अब सर मैंने आपको अभी आज जो सिखाया वो क्या सिखाया? डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव में अभी तक आप क्या सीख चुके हैं? फ्यूचर एंड पुट, राइट। तो फ्यूचर एंड पुट सीख चुके हैं। तो बच्चों इसके लिए ना हमें मार्केट को बदलना पड़ेगा। अभी जो मार्केट के बारे में बात कर रहे थे ना, ये मार्केट कौन सी थी? इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट, राइट। अब मैंने इसको बदला, इस पर एरो पे क्लिक किया, देखो नीचे दो ऑप्शन और आ गए, और इसमें पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? इक्विटी डेरिवेटिव। तो इक्विटी डेरिवेटिव पे क्लिक किया तो बच्चों अब आपके पास जो रेट्स होंगे ना बदल जाएंगे। कैश मार्केट का रेट क्या चल रहा था? 1387। अब इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर मैंने यहां पर फिर से पुट कर दिया HDFC। तो इसको आपने लिख दिया ना, वो कितना प्राइस था? 1387। और बच्चों ये देखो प्राइस कितना अभी है? अभी भी क्या है? HDFC। बट सर अब जो आपके पास प्राइस दिख रहा है ना वो किसके दिख रहा है? ध्यान से देखो, इंस्ट्रूमेंट टाइप। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो इसका नाम क्या है? स्टॉक फ्यूचर है ये। ओके, सिंबल मतलब ये कौन सा वाला HDFC जो है वो क्या चीज है? स्पेसिफाइड असेट, स्पेसिफाइड असेट। एक्सपायरी डेट क्या लिखा हुआ है? 24 नवंबर 2016। आप अपने कैलेंडर में देखो, क्या 24 नवंबर 2016 लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है? यस है। अगर कभी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जो है वो कोई गेस्टेड हॉलीडे आ जाता है तो इसके इसके अंदर एक दिन पहले एक्सपायरी हो जाती है, राइट। पर लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा सर 24 नवंबर 2016 के लिए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो प्राइस चल रहा है वो कितना है? 1390। मतलब आज 4 नवंबर 2016 को अगर आपको 24 नवंबर के लिए प्राइसिंग चाहिए, मतलब प्राइसिंग एडवांस में चाहिए, तो वो आपको प्राइसिंग क्या मिलेगी? 1390। पर सर इससे क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट आपका, पर अगर प्राइस घट गया तो लॉस भी आपका हो सकता है। फार्मर ने अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बुक करवा दिया 90s के अकॉर्डिंग, तो 90 रुपीज से अगर प्राइसिंग ऊपर चली जाती है तो प्रॉफिट उसका है, अगर डाउन चले जाता है तो लॉस भी उसका है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक्सपायरी को बदल दिया। क्या एक्सपायरी को बदल सकते हैं? यस सर। शेयर्स के केस में 3 मंथ तक की एक्सपायरी होती है, मतलब नवंबर चल रहा है तो नवंबर 24 की एक्सपायरी होगी, दिसंबर लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी होगी, जनवरी लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी होगी। तो
क्या हो रहा है 29 दिसंबर, आप 29 दिसंबर 2016 को देखेगा क्या ये लास्ट थर्सडे है, डेफिनेटली होगा। और देखो प्राइस बदल गया है नहीं, 1397। और फिर और आगे चलते हैं 25 जनवरी 2017, राइट, तो यहाँ पर फिलहाल कोई प्राइस नहीं आ रहा क्योंकि कोई ट्रेड नहीं हो रहा होगा, ट्रेड होगा तो ही प्राइस आएगा, राइट। अच्छा और आगे चलते हैं, ये था स्टॉक फ्यूचर, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्या लिख दिया, स्टॉक ऑप्शन, और अभी भी सिंबल क्या है, HDFC, और एक्सपायरी डेट अभी भी है, और हमने कहा कॉल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पुट। पर पुट के बाद ये तो क्या लिखा होगा, ये स्ट्राइक प्राइस, आपको स्ट्राइक प्राइस पहले डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। तो बच्चों मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके पास कई सारे स्ट्राइक प्राइस आ गए, जितने स्ट्राइक प्राइस आप दिख रहे हैं ना, इन सभी के सभी स्ट्राइक प्राइस के लिए जो ट्रेडिंग है वो अलग अलग होती रहती है, राइट। तो मैंने कहा सर हम लोग 1380 या 1400 के आसपास का, 1380 का ले लेते हैं डेटा, तो हमने कहा डेटा पे क्लिक किया तो सर आपके पास एक नंबर आ गया, और ये नंबर कितने का है, 23.35। ये 23.35 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर आपको HDFC का 24 नवंबर का पुट ऑप्शन बाय करना है तो लास्ट ट्रेडेड जो ऑप्शन है वो कितने में ऑलरेडी हो चुका है, 23.35, राइट। तो ये 23.35 क्या चीज हुआ, प्रीमियम, राइट। मैं ऐसे कह देता हूं कि सर आपको अगर HDFC क्या हो गया, स्पेसिफाइड असेट, आपको स्पेसिफाइड असेट का पुट ऑप्शन बाय करना है तो कर सकते हो, राइट। ये पुट ऑप्शन के अंदर जो एक्सरसाइज प्राइस होगा वो कितना होगा, 1380, राइट। और ऐसा होने पर जो एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कौन सी एक्सपायरी का है, 24 नवंबर का, तो 24 नवंबर का है ये। और सर इस केस में जो प्रीमियम का अमाउंट है, वो प्रीमियम का अमाउंट कितना कितना बताया था बच्चों, 23.35, राइट। तो जो मान लो कि आपने ये पुट ऑप्शन बाय, इसमें अब इसमें दो पर्सन होंगे, हाँ जी, एक होगा बायर और एक होगा राइटर, एक होगा बायर और एक होगा राइटर। तो राइटर बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। इसके बदले में बायर जो राइटर को पे करेगा वो क्या पे करेगा, यस प्लीज, प्रीमियम पे करेगा। कितना प्रीमियम पे करेगा, 23.35, और कब पे करेगा, एट टी जीरो। मान लो बायर ने राइटर को 23.35 रुपीस का प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है। अब अगर ये पे कर दिया है तो बायर के पास क्या आ गया है, बायर के पास ये इंस्ट्रूमेंट आ गया, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट आ गया इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बायर के पास जब ये डॉक्यूमेंट आ गया तो बायर के पास एक राइट आ गया है, किस चीज का राइट आ गया है, राइट टू सेल, राइट टू सेल द HDFC शेयर एट द रेट ऑफ ₹1380 ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, यानी कि 24 नवंबर। आई थिंक क्लियर, राइट। अब अगर मान लो फ्यूचर में, मतलब 24 नवंबर को मार्केट प्राइस पर शेयर कैन बी, मार्केट प्राइस क्या हो सकता है, मार्केट प्राइस पर शेयर पर HDFC शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो हो जाए कम, हो सकता है कम, मतलब 1300 हो जाए, या फिर हो सकता है मार्केट प्राइस पर HDFC शेयर ये हो सकता है कि ये 1380 ही रह जाए, राइट, या फिर मार्केट प्राइस पर शेयर ये हो सकता है कि ये 1450 हो जाए, या मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ HDFC ये हो जाए सपोज करो 1500, ठीक है। अब सर ये हो सकता है, अब इस सिचुएशन के, इन डिफरेंट सिचुएशन में, अब आप बताओ राइटर बायर को कंपनसेशन कब पे करेगा, थोड़ा सोचो कब पे करेगा, जब बायर ने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है, तो इसका मतलब है एक बायर ने यह कहा है कि अगर प्राइस 1380 से कम हो गया तो राइटर जी आपको मुझे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। और फर्स्ट सिचुएशन में प्राइस कितना हो गया,
1300 हो गए हैं। तो यहां पर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन हम फाइंड करेंगे। याद है कैसे फाइंड किया था हमने? एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस तो वही वाला है जो ऊपर लिखा है 1380। मार्केट प्राइस कितना है? 1300, यानी कि 80 रुपए का अमाउंट कौन किसको पे करेगा? सपोज करो आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, आज आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, आपको 1380 में पुट ऑप्शन परचेज कर लिया, तो इसका मतलब है कि 24 नवंबर 2016 को आप उन शेयर्स को कितने में बेच सकते हो? 1300 में। और राइटर आपको कितना कंपनसेशन दे रहा है? तो आपके पास टोटल कितना आ गया? 1380, यानी कि आपके पास 1380 की क्या बन गई? श्योरिटी कि 1380 तो मिल जाएगा। यस, अच्छा मार्केट प्राइस हो गया सपोज करो 1380 रह गया, आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा इसमें और बताओ, मैंने कहा सर आपने जो है पुट ऑप्शन बाय किया था, आपने अपनी जेब से क्या पे किया था? प्रीमियम 23.35, और ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी आपको 80 रुपए मिल भी गए, तो आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं? प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 80 रुपए का नहीं। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, गेन निकालना है, तो गेन में कैसे निकालूंगा? इट विल बी लाइक दिस, वैल्यू ऑफ द पुट, वैल्यू ऑफ पुट माइनस प्रीमियम। और ये वैल्यू ऑफ द पुट कितना है? वैल्यू ऑफ द पुट है, यस प्लीज, 80 रुपीज। और पीएम कितना बताया था? 23.35। तो डिफरेंस निकाल दो। और ये गेन किसका पता है आपने? गेन टू, हाँ जी, ये गेन किसका है? बायर है। अगर बच्चों ये गेन टू बायर आपने फाइंड कर दो, दिस इज वेरी फाइन, बट सर अगर मैं पूछता हूं कि राइटर के एंगल से बताओ, राइटर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कितना आया इतना? 65। राइटर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? तो राइटर के एंगल सोचो बच्चों, राइटर ने प्रीमियम का अमाउंट 30 रुपए पर रिसीव कर लिया था, राइट, और जब एक्सपायरी आई तो एक्सपायरी पर 80 रुपए पे किए, तो 80 रुपए उसको पे किए, 23.35 उसे मिला, यानी कि उसको 56.65 का क्या हो गया? लॉस। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं डैट लॉस टू राइटर इज रुपीज 56.65। एनी डाउट इन दिस? अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैंने कहा सर मार्केट प्राइस ऑफ द एचडीएफसी जो है वो 1380 है, बताना ये वैल्यू ऑफ द कॉल कितनी आएगी? वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन, नॉट कॉल, इट्स पुट, वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन कितनी आएगी? पक्का? एक्चुअल हम ईपी माइनस एमपी करेंगे, ईपी कितना है? 1380, और मार्केट प्राइस कितना है? 1380। तो यहाँ पर तो कोई भी अमाउंट राइटर जो है बायर को कंपनसेट नहीं करेगा। लॉजिकली क्यों नहीं कर रहा? राइटर बायर को कंपनसेशन तब करेगा जब मार्केट प्राइस डाउन हो जाए, डाउन तो हुआ ही नहीं प्राइस, तो कंपनसेशन क्यों, राइट? अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे बताओ गेन टू बायर, बायर को गेन कितना है? वैल्यू ऑफ पुट माइनस प्रीमियम, ऐसे ही होता है ना? अच्छा वैल्यू ऑफ द पुट कितना? जीरो। प्रीमियम कितना पे किया? यानी कि गेन टू बायर नहीं है बल्कि क्या है? लॉस टू बायर। प्रीमियम का अमाउंट जो बायर ने पहले पे किया था वो हमारे बायर के लिए क्या बन गया? लॉस। अच्छा राइटर के एंगल से बात करो, तो राइटर के एंगल से बात करो, गेन टू राइटर, तो राइटर के एंगल से बात करो, हाउ कितना कैसे कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी बच्चों देखो, राइटर ने प्रीमियम पहले से रिसीव कर लिया है, प्रीमियम रिसीव्ड, और वैल्यू ऑफ द पुट, और वैल्यू ऑफ द पुट उसने कितना पे किया है? प्रीमियम रिसीव किया है 23.35, प्रीमियम वैल्यू ऑफ द पुट कितना पे किया है? जीरो। तो राइटर को क्या बन जाएगा? गेन। आई थिंक क्लियर। पहले वाले ऑप्शन को बच्चों, मतलब इस वाले केस को हम बोलते हैं इन द मनी सिचुएशन। इन द मनी का मतलब क्या हुआ? कि ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी राइटर विल कंपनसेट टू द बायर, इसको हम बोलते हैं एट द मनी सिचुएशन। एट द मनी मतलब कि यहां पर कंपनसेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस दोनों के दोनों सेम है। और तीसरा केस क्या है? हाँ जी, हम लोग फिर से वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, पुट ऑप्शन निकालेंगे, और वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन कैसे निकालेंगे? ईपी माइनस एमपी।
एंड ईपी कितना है 1380, एमपी कितना है 1450, तो ये नेगेटिव आ गया -70। तो -70 को क्या बना देंगे, -70 का मतलब हुआ कि बायर राइटर को कंपनसेट करेगा, जबकि एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है, राइट। तो भाई अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को इसके अलावा प्रीमियम के अलावा कुछ और थोड़े दोगे, राइट। तो इस केस में इसको क्या बना दिया, जीरो। तो बच्चों इसको इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हाँ जी, आउट ऑफ मनी सिचुएशन। अगर मैं बोलूं बच्चों गेन टू बायर बताओ, गेन टू बायर, तो गेन टू बायर कैसे बताओगे, वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन माइनस प्रीमियम, एंड द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन इज जीरो एंड द प्रीमियम इज 23.35 एंड दिस इज अगेन माइनस 23.35। और राइटर के अगर मैं एंगल से बात करूं तो राइटर को गेन कितना होगा, गेन टू राइटर, यस प्लीज, 23.35, ठीक है ना। अच्छा 1500 वाले केस में, 1500 वाले केस में क्या होगा, सेम केस, ये भी सिचुएशन क्या है, आउट ऑफ मनी है। मतलब यहां पर भी वैल्यू ऑफ द पुट जो आएगी, वैल्यू ऑफ द पुट जो आएगी वो कितनी आएगी, जीरो। मतलब राइटर कोई भी अमाउंट बायर को कंपनसेट नहीं करेगा, राइट। एंड गेन टू बायर कितना, इनफैक्ट गेन टू बायर नहीं है बल्कि लॉस टू बायर है, माइनस 23.35। एंड गेन टू राइटर ये कितना, 23.35, और पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट। मतलब ओवरऑल यहां पर ये कहना चाहते हैं कि अगर प्राइस डाउन हुआ देन हु विल कंपनसेट, राइटर टू द बायर। बड़ा जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं, जो सीखा बहुत जल्दी से हमने कहा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफिक एसेट, लाइक इन दिस एग्जाम्पल जो अभी अभी किया, इस एग्जाम्पल के अंदर स्पेसिफिक एसेट क्या है, HDFC शेयर, राइट। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफिक एसेट, दीज स्पेसिफिक एसेट कैन बी फोर, शेयर्स, करेंसीज, कमोडिटीज और इंटरेस्ट रेट्स, राइट। अब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेरिवेटिव के अंदर, ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, नंबर वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, राइट। अभी हम आपके साथ दो बातों के बारे में बात कर चुके हैं, नंबर वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर टू पुट ऑप्शन, राइट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर के किसी प्राइस की सर्टेनिटी चाहिए तो आप आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट बुक करवा सकते हो, राइट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सचेंज के थ्रू बुक करवाते हो तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप फेस टू फेस किसी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होके हुए ये कॉन्ट्रैक्ट बुक होता है तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफरेंस है वो हम लोग आपके साथ आगे जाके डिस्कस करेंगे, राइट। फार्मर चाहता है कि फ्यूचर में उसको 90 रुपीज का प्राइस फिक्स मिल जाए, राइट। अगर वो ये चाहता है तो 90 से ज्यादा प्राइस हो या प्राइस कम हो इससे उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह से किसी दूसरे पर्सन के साथ वो एक स्पेसिफाइड प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर वन। नंबर टू, फिर हमने कहा पुट ऑप्शन के बारे में, हमारा फार्मर चाहता है कि प्राइस जब बढ़ जाए, जब प्राइस बढ़ जाए तो वो अपनी फसल को हायर प्राइस पर बेच सके, और अगर प्राइस घट जाए तो जो दूसरा पर्सन है वो उसको कंपनसेशन मिल जाए। फार्मर चाहता है कि प्राइस डाउन होने वाले केस के अंदर कंपनसेशन मिल जाए, बट प्राइस अप चला जाए तो उसको इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना, क्योंकि इस केस में तो वो मार्केट में हायर प्राइस पर अपनी फसल को, ऑनियन को बेच सकता है, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन में दो पार्टीज होती है, नंबर वन इज बायर, नंबर टू इज राइटर। बायर वो पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, राइटर वो पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है। राइटर इज जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस कंपनी एंड द राइटर इज द पर्सन हु एक्चुअली टेक्स द प्रीमियम एंड गिव्स द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू द बायर। जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बायर के पास आ जाता है प्रीमियम पे करने के बाद, तो बायर के पास एक राइट आ जाता है, राइट टू सेल द स्पेसिफाइड असेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, राइट। और इन केस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी अगर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम हो जाता है तो राइटर विल कंपनसेट टू द बायर, राइट, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, यही हमने आपके साथ डिस्कस किया,
राइट। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, राइट। दिस इज अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड पुट ऑप्शन।